आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th रिमझिम हिंदी की हमारी पुस्तक पाठ 2 फसलों का त्यौहार। प्रश्न विभाग 1 जो है इसका है वो मौसम का अंदाज। प्रश्न 1, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी, यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो इसका उत्तर है, यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है। तो जो हम अलग अलग फसलों के त्यौहार मनाते हैं उनमें से खिचड़ी जो है वो एक बिहार का त्यौहार है, तो इसीलिए यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो ब्लैंक अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। तो अगर कभी सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा? तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि अगर सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी। प्रश्न 3, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वह समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? बाहर सूरज नहीं निकला था इसीलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वह समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। तो बाहर क्योंकि सूरज नहीं निकला था इसीलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था, और जिन लोगों के पास घड़ी नहीं होती है वह समय का अंदाज़ा सूरज को देखकर लगाते हैं। अभी विभाग 2 है इस पाठ का, तुम्हारी जुबान। आज ई लोग के उठे के नइखे का, तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये बिहार की भाषा की है। इनका अर्थ है, हाँ हमारी जुबान में हमें लिखना है, हम हिंदी भाषी हैं तो हम हिंदी में लिखेंगे। आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं? ख, जा भाग के देख कर के पत्ता आयल की ना, इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। तो इसका उत्तर होगा, जा भाग के देख केले के पत्ते आए या नहीं। विभाग 3, भारत तेरे रंग अनेक। यहाँ प्रश्न 1 है जिसमें कहा गया है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफी, कहानी, कविता, सूचना पर सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समय समूह इस जानकारी के को कक्षा में प्रस्तुत करे। भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। तो यहाँ पे हमें जो है हमारे देश के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। हमारे देश में जो हमारे देश के अलग अलग भाग है वहाँ पे अलग अलग जो त्यौहार है अलग अलग रूप में और रंग में मनाए जाते हैं। तो नीचे जो है विविधता के कुछ उदाहरण दिए गए उनके आधार पे हमें लिखना है। तो भाषा, भारत में हर जगह पर विभिन्न भाषाएँ बोली जाती है लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सारे भारत में हिंदी का ही प्रयोग होता है। सेकंड जो है वो है कपड़े। भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। थर्ड, नया वर्ष। भारत के अलग अलग राज्य में नया वर्ष विभिन्न तरह से मनाया जाता है। भोजन, देश के अलग अलग राज्य में विभिन्न तरह के भोजन मिलते हैं। लोक कला, भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न कलाएँ विद्यमान हैं जो भारत की संस्कृति को बनाए हुए है। लोक संगीत, भारत में सभी राज्य के अलग अलग लोक संगीत हैं। छात्र स्वयं कक्षा में प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार आप अपने अपने राज्य के बारे में बता सकते हैं। प्रश्न 2, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? तो इसका उत्तर है, हमें होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन चारों ओर रंग ही रंग देखने को मिलते हैं। इस दिन हम सुबह से ही जोश तथा उत्साह से भरे रहते हैं। गुजिया इस त्यौहार की मुख्य मिठाई है जो लोग बड़े आनंद से खाते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपको अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में लिखना है। जिस प्रकार मुझे होली का त्यौहार पसंद है तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे होली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, वह रंगों का त्यौहार है और इस दिन बहुत जोश और उत्साह होता है। हम लोग गुजिया जो है एक मिठाई है, वो गुजिया बनाते हैं और खाते हैं। तो इस प्रकार अभी अगला विभाग है अन्न के बारे में। फसल के त्यौहार का तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान और मिठाई बनाई जाती है, इससे तेल भी बनता है। तो जो तिल है उससे अलग अलग प्रकार के पकवान और मिठाइयाँ बनाई जाती है, साथ में तिल से तेल भी बनाया जाता है। ख, तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है
और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे, हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तिल के अतिरिक्त नारियल, सरसों, आंवला, मूंगफली, बादाम, फूलों से तेल बनता है। ये तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है। अभी जो अगला विभाग है वो है किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा है नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इससे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वह कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी, आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों को के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में चीज़ों को चीज़ उसे लिखो। किन चीज़ों से बनती है, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती है, हम इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों के बारे में पढ़ोगी तो उपाय के सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा। तो यहाँ पे आलू की पकौड़ी जो है वो आलू और बेसन से बनती है, बर्फ खोए से बनती है और आइसक्रीम दूध से बनती है। इन चीज़ों का जन्म किसानों के घर में होता है। हम तक ये चीज़ें किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से पहुँचती है। ये चीज़ें हम तक किसानों, व्यापारियों तथा दुकानदारों के हाथों से होकर पहुँचती है। इस पूरे कार्य में किसान तथा व्यापारियों की बहुत मेहनत लगती है। इन लोगों में से किसानों को कम तथा व्यापारियों को उनसे कुछ ज़्यादा मुनाफा मिलता है। अगला विभाग है खास पकवान। प्रश्न 1, गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवानों के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। जिस प्रकार गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे आपको अपने परिवार से पूछना है और अपने शहर, आपका शहर कौन सी मिठाई के लिए प्रसिद्ध है वो लिखना है। तो यहाँ पे हमने उत्तर में लिखा है कि हमारे देश में जो मथुरा है वहाँ के पेड़े प्रसिद्ध हैं, आगरा के पेठे और हरियाणा का घेवर प्रसिद्ध है। इसमें प्रश्न 2 है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं, उचित क्रिया का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। तो यहाँ पे जो क्रिया का अर्थ होता है जो काम हम करते हैं वो शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, क्रिया दी गई है पर उसमें कुछ चीज़ें छूट गई है, वो चीज़ें जोड़ के हमें सही से पूरा खिचड़ी बनाने की विधि लिखनी है। यहाँ पे लिखा अदरक 20 ग्राम, लहसुन 3-5, इलायची के 2 दाने 3 छोटी, दालचीनी आधा सेंटीमीटर का 1 टुकड़ा, पानी के 4 प्याले, मूंग दाल आधा प्याला, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, तेज पत्ते 2, जीरा आधा छोटा चम्मच, प्याज बारीक कटा हुआ 1 मंजोला, चावल धुले हुए 1 प्याला, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई 200 ग्राम, आलू छिलकर 4-4 टुकड़ों में कटे हुए 2, मटर के दाने आधा प्याला, धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई आधा छोटा चम्मच, चीनी 1 चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच, नमक और हल्दी अंदाज से। तो इसकी विधि उत्तर इस प्रकार होगा, विधि इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीस लें, अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाएं, दाल को कढ़ाई में डालें और धीमी आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भूनें। तो अब दाल निकाल कर पीस लो, तेल को कुकर में डालकर गर्म करो, तेल गर्म होने पर तेज पत्ते और जीरा डालो, जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो, अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक भूनो, धुली हुई दाल चावल और सब्जी डालें और अच्छी तरह मिलाएं और शेष पानी डालकर एक बार हिलाएं, कुकर बंद करो, तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो, अब आंच तेज करके 4 मिनट तक पकाओ, भाप निकल जाने पर कुकर खोलो, मसालों को पेस्ट में मिलाओ, खिचड़ी घी हींग जीरा साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो। तो इस प्रकार ये पाठ यहाँ बच्चों पूरा होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।